Can you imagine? कि आपकी इकॉनमी टू पॉइंट टू ट्रिलियन डॉलर की है उनकी इकॉनमी जो है वो थ्री पॉइंट नाइन ट्रिलियन डॉलर है आप किस तरह सेंशन लगा सकते होमवर्क ही कर लेते किसी बच्चे से कैलकुलेटर मांग लेते भाई? कि यार, मैं क्या बात कर?

बर्तानिया को कैनेडा को अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड को इन मुल्कों को लेते हैं तो ये मुल्क जो है ये असल प्रॉपर आप समझें कि जो वेस्टर्न ब्लॉक है इंडिया ने ये कहा है कि जो हमने सुना जस्टिन टूडो को बोलते हुए उससे एक बात कंफर्म हो जाती है जो हम पहले भी कह रहे थे कैनेडा है भारत सरकार ओपनली कह रही है कि कनाडा ने कोई भी सबूत हमको नहीं दिया उसे प्रूफ मांगती रही है प्रूफ नहीं दे पाए पुलिस कॉन्फ्रेंस की जिसमें चार बंदे बैठे थे कोई जवाब नहीं दे पाए पूरा उससे उन्होंने जो फाइव आई कंट्रीज हैं उनसे सपोर्ट की अपील की किसी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा किसी ने नमस्कार दोस्तों जय हिंद भारत से पंगा लेने वाले कैनेडाई प्रधानमंत्री जस्टिन टूडो अब बैकफुट पर है बुधवार को उन्होंने विदेशी हस्तक्षेप की जांच करने वाले पैनल के सामने घंटों तक बैठकर अपने बयान दर्ज कराए और कबूला कि हमारे पास भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है टूडो ने यह लगातार दोहराया है कि खालिस्तानी की खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे दोनों देशों को टकराव की वजह बने इस हत्याकांड के आरोप तो कनेडा ने भारत आरोप लगा दिए लेकिन अभी तक कैनेडा की सरकार ने भारत को कोई सबूत नहीं दिया है कनाडा की विदेशी हस्तक्षेप जांच के सामने गवाही देते हुए जस्टिन टूडो ने खुद कबूला की खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में उनके देश के पास भारत के खिलाफ केवल खुफिया जानकारी थी और कोई सबूत नहीं था इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा की हमने भारत ऐसी कहा की हम इस मामले में आपका सहयोग चाहते है लेकिन भारत ने हमसे सबूत मांगा जो की हमारे पास नहीं था उस वक्त सबूत भारत को नहीं दिए गए सिर्फ मामले से जुड़ी जानकारी साझा की गई जस्तिंदर ट्रूडो ने अपने आप को भी एक्सपोज कर रखा है अपनी पोल खुद ही खोल ली है भारत ने ऑलरेडी लात मारनी शुरू कर दी है मैं आपको बताऊं भाई बताऊर जब से ये चीज हुई है वो भागी जा रहा है किसके पास, पास पांच आंखें चार नाक पच्चीस हैं उनके पास एंग्लो सैक्सन अलायंस के पास भागी जा रहा है भागी जा रहा है कि यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो क्या कर रहे हो यार ये वो इन ऑल दैट यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो स्टेटमेंट आया था कि भैया वी वी टू सी इंडिया कोऑपरेटिंग विद कैनेडा इन दिस इन्वेस्टिगेशन बट इंडिया हम चाहते हैं कि भारत कैनेडा uh, के साथ कोऑपरेट करे लेकिन भारत सुन नहीं रहा हमारी ऐसा है ये है वो है ब्रिटिश ने बोला कि भाई कोऑपरेशन इज अ नेक्स्ट स्टेप ये वो करके उन्होंने हटा दिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ नहीं आया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के तो यहाँ पर मिनिस्टर बैठ के टू प्लस टू मीटिंग कर रहे थे भारत के साथ तो वहां से तो इतना कुछ ज्यादा कुछ आया नहीं है और न्यूजीलैंड की तरफ से भी एक, एक रद्दी सा स्टेटमेंट आया इतना कुछ हुआ नहीं सो so, बेसिकली क्या है कि जस्तिंदर को सपोर्ट मिला है अमरीका से वो तो जरूरी था क्योंकि अमरीका ने ही बोला उसको ये सब करने के लिए और ब्रिटिशर से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है लेकिन देखिए ये इसको सपोर्ट जिस तरह से मिलना चाहिए था जिस तरह से वो होप कर रहा था उसको मिला नहीं है और इनके जो एलिगेशन है वो और भी टेढ़े मेढ़े तरह से बाहर निकल रहे हैं कहता है आर ने एक बंदे ने बोला कि कहता है साहब काफी सारी लेयर्स और भारत के बारे में हम खोलेंगे अभी एक्सपोज करेंगे यहां पर मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं पिछले एक साल से आप क्या कर रहे थे साहब ट्रूडो ने इस चीज को पब्लिक डोमेन में में डाला था सितंबर और ये जो किलिंग हुई थी ये जून जुलाई में हुई थी तो अब तक क्या आप अंडे दे रहे थे इसका जवाब किसी के पास ऑब्वियसली नहीं होगा हगमीत सिंह जगमीत सिंह जो क्या है उनका डेमोक्रेटिक पार्टी वार्टी जो भी उसका हेड है कहता है कि जो पेरी पॉलीवेर है जो मेंबर ऑफ ऑपोजिशन है कहता है साहब वो मोदी के साथ काम कर रहा है और मोदी के साथ काम करके ही वो जीत रहा है वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा कि किस तरह से चाइना ने ट्रूडो को सपोर्ट करके जिताया था जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है कनाडा के अंदर उसके बारे में कुछ कहने की उसको बात नहीं है अब देखो चक्कर ये है कि ट्रूडो ये क्यों कर रहा है सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए क्योंकि ट्रूडो इस टाइम पे देखो उसकी पॉपुलरिटी रेशो नाइनटीन पे है 19% ऑफ कनाडा बेसिकली अप्रिशिएट्स टूडो वो जितने भी वोक लिब्रांडो लोग हैं नाइनटीन वो लोग अप्रिशिएट करते हैं बाकी बहुत यहां से यार उसके बाद इसकी अपनी पार्टी में से तीस बंदों ने एक करी है कि भाई टूडो को रिजाइन करना चाहिए तो कर दिखाने की कोशिश कर रहा है और अपने बाप की तरह जैसे पहले इसका जो टूडो टूडो का बाप था उसने भी यही काम करने की कोशिश करी थी कि भारत से पंगा लेके वो अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाता था अभी देखिए ये ना एटीज है ना नाइनटीज है ना अर्ली 2000स है ये आज का भारत है ये सुनने वाला नहीं है और ये लात मारेगा पकड़ के इसको अभी तक समझ आया नहीं है क्योंकि ये एक ईगोइस्टिक बंदा है ईगोइस्टिक बंदा है अपने कंट्री के इंटरेस्ट को डब्बे में डालेगा जस्ट टू कीप हिज पावर इन प्लेस यहां पर मैं आपको बताऊं कि इसकी जो ट्रेड सेक्रेटरी है उसको आके बिजनेस डेलीगेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी uh, को जाके बोलना पड़ा नहीं नहीं जी डिप्लोमेटिक टाइज ही खत्म हुए हैं भारत के साथ कमर्शियल टाइज अभी भी अच्छे हैं तो डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा हम काम कर रहे हैं बैक एंड पे भारत के साथ इस चीज को ठीक करने के लिए अभी तो भारत ने कुछ किया नहीं है साहब इकोनॉमी में पहली तुम्हारी हालत खराब होनी शुरू हो गई है क्या बात है मॉलडीव के मुइजु से थोड़ी बात सुन लो समझ में आ जाएगी आपको बट अब आते हैं बात पे भैया कैसे टूडो ने अपनी पतलून खुद खोलनी शुरू कर दी है कनाडा का जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है कनाडा ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन सीबीसी उसने लेके आया किसको पन्नू नुनू मुन्नू चुन्नू पन्नू हो एक इंटरव्यू के लिए ठीक है अब पंगा ये होता है ना एक बेवकूफ को आप टीवी के सामने बिठा दो तो बदतमीजी तो और तो करेगा आगे जाके बड़ा एड़, ओपनली एडमिट कर दिया कि भैया सिक्स फॉर जस्टिस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी उसके तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से और पिछले तीन साल से वो भारत के बारे में इंफॉर्मेशन ट्रूडो को डायरेक्टली दे रहा है तो ये सबसे पहला एक्सपोज हो गया

पीएम ट्रूडो की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू डिस्कलोज ये जो तो अमेरिका भारत की इन्वॉल्वमेंट थी जस्ट टू डिटर इंडिया फ्रॉम सिमिलर कंडक्ट एंड शो इंडिया दैट हम लोग इस चीज को ये नहीं करेंगे मतलब कोई एविडेंस नहीं कोई कुछ नहीं आपने नाम ले लिया चलिए कि साहब क्या 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 बोला इन्होंने कहता है शुरू से कहानी का, बताई कि साहब हमको डिटर डिटरशिटर करना था ये करना था वो करना था लेकिन शुरू से बोलता है कि भैया हमारे पास एक क्रेडिबल एविडेंस थी और इनिशियली जो कनेडा का असेसमेंट था कि भैया ये तो गैंग रिलेटेड है ये मेरे वर्ड्स नहीं है यह जस्तर सिंह टूडो के तेरह मिनट का जो वीडियो वहां से रिलीज हुआ है उसमें उसने खुद बोला है तो ध्यान से सुनिएगा कहता है कि भाई इनिशियल असेसमेंट में हमारे को लगा कि भाई कोई गैंग रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहां पर भारत का कोई नामो निशान कहीं था नहीं ऊपर से मजाक कर दिया है। कहते हैं हम इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सेंक्शन लगाएंगे इसके बारे में मैं कहूंगा क्या पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा

पुलिस कॉन्फ्रेंस की जिसमें चार बंदे बैठे थे कोई जवाब नहीं दे पाए पूरा उससे फिर उनकी जो एक मिनिस्टर है खातून वहां से उन्होंने जो फाइव आई कंट्रीज हैं, उनसे सपोर्ट की अपील की वो कौन कौन से हैं? अमेरिका है न्यूजीलैंड है यूके है इस तरह के किसी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा